सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इन्फोसिस के बहुत ज़्यादा लोगों के डाउट है वो डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों 15 मई का जो एग्ज़ाम हुआ था लोगों का, तो क्या उसका रिजल्ट अनाउंस हो गया या फिर नहीं, बहुत सारे लोगों ने डाउट पूछा है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा मेंबर वहाँ पर ऐड हो रहे हैं और आपकी क्वेरी भी रिजॉल्व हो सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर जो 15 मई का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो अनाउंस हो गया, तो बहुत सारे लोगों को दोस्तों जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो कुछ इस तरीके से मेल देखने को मिलता है, इन्फोसिस ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू राउंड। तो बहुत सारे लोगों को दोस्तों जो है कह रहे हैं कि जो 15 मई का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, तो दोस्तों अभी एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों आज 19 है डेट, एटलीस्ट दोस्तों यहाँ पर 7 डेज लगता है रिजल्ट आने में। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है घबरा गए हैं कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो उनको दोस्तों एटलीस्ट जो है 23 मई तक वेट करना है, उनका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपको प्रिपरेशन करना है इंटरव्यू में तो दोस्तों जा करके आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा, वहाँ पर दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है, और अगर आप कहेंगे तो और भी ज़्यादा मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा। और यहाँ पर लोगों ने पूछा है कि सेलेक्टेड और रिजेक्टेड, ठीक है, कि सेलेक्ट होंगे या फिर रिजेक्ट होंगे, तो वो दोस्तों डिपेंड करता है आपके सेक्शनल कट ऑफ पे। अगर आपने सेक्शनल कट ऑफ वहां पे सारे क्लियर कर रखे होंगे तो जरूर दोस्तों वहां पे जो है आपको सिलेक्शन का मेल देखने को मिलेगा, मतलब कुछ इस तरीके से मेल आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अपडेट जैसे ही मिलेगी मैं आपको जरूर चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा कि, और दोस्तों यहां पे आपको बताऊंगा कि जो है लोगों का इंटरव्यू राउंड के लिए शॉर्टलिस्टेड मेल आ रहा है, ठीक है, फिर कब उनका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, तो वो आगे की वीडियोस में जरूर दोस्तों यहां पे मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो यहां पे दोस्तों मैंने पिछले वीडियो 15 मई का जो है एग्जाम का कट ऑफ के बारे में बताया था, तो उन्होंने पूछा है ब्रो ऑल सेक्शन वेरी गुड एक्सेप्ट वन सेक्शन, एनी चांस ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन। तो यहां पे दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि आपके जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर वो चीज दोस्तों यहां पे क्लियर नहीं होंगे तो आपको दोस्तों रिजेक्शन का मेल, मतलब रिग्रेट का मेल देखने को मिल सकता है। तो रिजल्ट का दोस्तों आप 23 मई तक आप वेट कर सकते हैं, जैसे ही दोस्तों यहां पे कुछ इस तरीके से मेल देखने को मिलेगा तो जरूर मैं आपको यहां पे इन्फॉर्म कर दूंगा चैनल पे, ठीक है। और दोस्तों इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, प्लेलिस्ट पे जाकर के एक्सेस कर लीजिएगा, सारी वीडियोस दोस्तों पड़ी है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।